ओके तो चलिए नमस्कार, ये छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के और एक नए वीडियो पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, लगातार इन दिनों खबरें आप लोगों को गूगल पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर हर एक जगह देखने को मिल रहा होगा कि भाई छत्तीसगढ़ की धान खरीदी का लिमिट जो है बढ़ सकता है, छत्तीसगढ़ सरकार लिमिट बढ़ा सकती है और प्रति एकड़ 15 से 20 क्विंटल धान की खरीदी हो सकती है। जी हाँ, काफ़ी सारी खबरें हैं और बहुत सारे कमेंट भी आ रही हैं पहले वीडियो पब्लिश होने के बाद से, तो सोचा आप लोगों को और एक अपडेटेड जो वीडियो है आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही है ये बातें जो कि आज के इस वीडियो पे हम जानेंगे। तो भाई पूरे वीडियो पर बने रहिए और नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखिए ऐसी लेटेस्ट अप टू डेट इन्फॉर्मेशन हर रोज पाने के लिए। देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं गूगल पर IVC24 की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिन्होंने ये खबरें प्रकाशित की हैं। तेजी खबरें की ओर हम गौर करते हैं। 2023 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे में कांग्रेस सरकार 1 एकड़ में 15 क्विंटल से ज्यादा धान खरीदी का दाव चल सकती है। माना जा रहा है कि कांग्रेस सरकार धान खरीदी की लिमिट बढ़ा सकती है, यानी सरकार अब 1 एकड़ में 15 क्विंटल से ज्यादा की धान खरीदी कर सकती है। तो किसान भाइयों, उसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो मीडिया को बताई हैं उसकी भी यहां पर जानकारी दी गई है। इस संबंध में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहे कि हम तो गर्मी और बरसात दोनों का पूरा धान खरीदना चाहते हैं, लेकिन इस खरीदी के लिए भारत सरकार NOC तो दे दें। तो इस तरह से लगातार खबरें के ऊपर खबरें प्रकाशित हो रही है किसान भाइयों। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का जो लिमिट है, यानी कि जो प्रति एकड़ 15 क्विंटल है, उसको 20 करने को लेकर है ना भाई। तो इन खबरों के माध्यम से और आगामी चुनाव को हम देखें तो यह हो सकता है आने वाले समय पर 20 क्विंटल धान की खरीदी छत्तीसगढ़ के किसानों से करें सरकार। जो समर्थन मूल्य है आप लोगों को अच्छे से पता है, 2040 रुपये, 2060 रुपये प्रति क्विंटल इस समय सरकार, केंद्र सरकार किसानों को दे रही है। आने वाले समय पर जैसे कि अनुमान भी जताया जा रहा है कि 100 से 150 रुपये, यानी कि 100 से 150 रुपये का जो समर्थन मूल्य है आगामी वर्ष में बढ़ सकता है ना धान का समर्थन मूल्य। अगर ऐसा होता है तो फिर 2100 और 2150 तक प्रति क्विंटल धान का मूल्य किसानों को मिल सकता है ना। और इधर किसानों से 15 से 20 क्विंटल प्रति एकड़ की मान से अगर धान खरीदी होता है तो किसानों की आय में वृद्धि होगी। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, अपना विचार आने से कमेंट बॉक्स पर बताते रहिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इससे जुड़ी लेटेस्ट अपडेट आगे हर रोज आप लोग को इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। लगे यहाँ देखिए किसान भैया, इस वीडियो पर हम लोग बात करते हैं छत्तीसगढ़ की धान खरीदी ताज़ा अप टू डेट इन्फॉर्मेशन 19 दिसंबर तक की। जैसे कि जानकारियाँ आ रही है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन पर किसानों से धान खरीदी महाअभियान के तहत समर्थन मूल्य पर अब तक 58 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी हो चुकी है। राज्य सरकार इस वर्ष 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी लक्ष्य है। 1 नवंबर से अब तक धान खरीदी लक्ष्य के विरुद्ध 50% से भी अधिक धान की खरीदी हो चुकी है। धान खरीदी की एवज में राज्य के 14.66 लाख किसानों को 11,640 करोड़ रुपये का भुगतान बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत किया गया है। बाकी का अपटूडेट इन्फॉर्मेशन तो आप लोग को हमारे वेबसाइट पर भी मिल जाएगा है ना। और ये था धान खरीदी का लेटेस्ट अपटूडेट इन्फॉर्मेशन और आगामी वर्ष में धान खरीदी का लिमिट बढ़ने को लेकर जो खबरें थी आप लोग के साथ हमने शेयर किया। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिए, मित्रों को शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई वीडियो के नीचे लाल का बटन है यार, क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखिए। ऐसे ही लेटेस्ट अपटूडेट इन्फॉर्मेशन आगे भी आप लोग को मिलता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो पर बस यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय जोहार, नमस्कार।